हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी करीबन 7 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं, तो उसके बाद हमें जिम जाना है बिकॉज वी आर मेकिंग इट अ हैबिट टू डू द जिम विद द वेरी फर्स्ट थिंग ऑफ द डे, बिकॉज रात को बहुत लेट हो जाता है और अभी सुबह उठने की आदत डालनी है, तो इसलिए हम जिम जा रहे हैं। और उसके बाद आएंगे तो हम क्लास जाएंगे। आज दो क्लास है, एक बैकलॉग कंप्लीट करना है और एक मेरा डीएल का जो शाम को होता है। सो आज दो क्लास है और उसके बाद मॉक टेस्ट भी दे रहा है। सो लाइक दिन बहुत हेक्टिक रहेगा और मेरी नींद थोड़ी इतनी अच्छे से कंप्लीट हुई है नहीं, बट एनीवे वी विल डू इट। सो अभी हम जिम जा रहे हैं। मेरे पास प्रोटीन शेक के पैसे तो है नहीं एंड आई प्रेफर सम नेचुरल फूड्स, सो मैं सत्तू ही प्रेफर करता हूँ हमेशा। कोचिंग के लिए लेट हो गया है बहुत, बट तब भी रोज ही लेट हो जा रहा है थोड़ा। सो मुझे लग रहा था कि मैं आज लेट हो गया हूँ, बट नहीं, हमारे एक हैदराबाद से हमारे GTPA सेशन के लिए एक सर आने वाले थे, वो आज लेट हो गए थे। तो बहुत बच्चे गेम खेल रहे थे, कुछ मैचेस देख रहे थे, बट हमारे पास एक रीडिंग का ऑप्शन बचा तो हमने रीड किया। तब तक हमारे सर आ गए और हमारी जो आज की GTPA सेशन थी वो शुरू हो गई। सो कोचिंग खत्म हो गई फाइनली हमारी। यार पता है बहुत डिफिकल्ट लगता है यार दो तीन क्लास करते में बैकलॉग कंप्लीट करने में। इनफैक्ट आई डोंट नो द रीज़न, बहुत पीछे क्लासेस छूट गए थे तो दोबारा कुछ भी क्लासेस समझ में नहीं आते तो फिर दोबारा करने पड़ते हैं। तो दिस इज़ अ थिंग। तो अभी तो कुछ काम करेंगे बाहर, उसके बाद घर जाएंगे। तो हम ना मौर्य लोग पे आ गए हैं, तो हमें एक दोस्त का एक सूट है, वो अमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसका सूट लेने हम आए। एक सेकंड भैया। हमारा दोस्त अमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसके हम कपड़े कलेक्ट करने आए थे। तो कपड़े जब हम कलेक्ट कर रहे थे तो हमें कुछ कपड़े पसंद आ गए, तो हमने कुछ सूट ट्राई कर लिया, बट जैसे ही उसका प्राइस सुना हमने उसे वापस उसी जगह पर रख दिया और हम घर वापस आ गए। सो अभी मैं आके कोचिंग से ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ। तो आज एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ कि लाइक मेरे एक सीनियर हमसे पूछते हैं ना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बट टुडे इट वाज वेरी फनी कि आप सिर्फ खाने में ड्राई फ्रूट्स ही खाते हो क्या? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बट ड्राई फ्रूट से क्या होता है ना कि मुझे कैलोरी सरप्लस रहने में बहुत मदद मिलती है। लाइक आई एम ऑन अ वेट गेनिंग फेज, तो वेट बैलेंस रखने में या फिर वेट बढ़ाने में ना कैलोरी सरप्लस का एक रोल होता है। परोगे कि द कैलोरी दैट यू कंज्यूम शुड बी मोर देन द कैलोरी दैट यू एक्सपेंड, लाइक यू वॉट इज योर एक्सपेंडिचर इज, तो उसके कारण आपको ना कैलोरी ज्यादा खाना पड़ता है। तो ड्राई फ्रूट्स आर वेरी वेरी हाई कैलोरिक कैलोरीफिक वैल्यू, एज यू कैन नॉट कैलोरीफिक वैल्यू तो कुछ और चला गया, बट कैलोरी मतलब इट हैज अ लॉट ऑफ कैलोरी, मतलब इस पूरे डाइट में लगे 800-900 कैलोरीज है, मतलब पूरे एक मील हो गया उसकी तरह का हो गया। और थोड़ा मैं केले खाऊंगा तो लाइक इट्स द मील, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ यही खाता हूँ, नहीं, ब्रेक टाइम का है और ये मैंडेटरी खाना ही खाना है। सो मैं ना अभी पढ़ने बैठने वाला था बट मुझे एक चीज़ दिखा कि ये जो किताबें हैं ना मेरी वो कुछ ज़्यादा गंदी हो गई हैं यार, मतलब रखे रखे भगवत गीता भी थोड़ी गंदी हो गई है, तो मतलब इसको साफ़ करना है। तो मैंने जितनी मूर्तियाँ थी ना उसको तो मैंने अभी मम्मी को दे दिया साफ़ करने के लिए, तो वो अभी तक साफ शायद कर दिया होगा उन्होंने, बट इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। और डेस्क भी है हमारा तो उसको भी हम साफ़ कर लेते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। मुझे एक गंदा एनवायरनमेंट पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। तो टेबल थोड़ा अब साफ दिख रहा है, इनफैक्ट कुछ किया नहीं है मैंने, इसको वहाँ से यहाँ पलट दिया है बस, तो लेकिन ये थोड़ा बेहतर दिख रहा है ना।
So this is one of the first book that I have ever read. Or it is such a beautiful book. Now I can't tell you because ये ना बहुत ही बेहतरीन. रॉबिन शर्मा की जितनी किताबें हैं ना, शायद Who Will Cry When I Will Die या फिर लाइक मास्टरी मैनुअल जो है, या फिर और भी जितनी भी किताबें हैं लाइक एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो, बहुत ही बेहतरीन किताब है. रॉबिन शर्मा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऑथर यार. इस बुक को बहुत अच्छे से अरेंज करना पड़ता है इनफैक्ट, बिकॉज यू नो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स परफेक्शन. मुझे ना काम में परफेक्शन कुछ ज़्यादा ही पसंद है, एंड समटाइम्स ये एक मेस क्रिएट हो जाता है मेरे लाइफ में. That I chase perfection so much that बहुत वक्त निकल जाता है perfection को chase करते करते. आपको एक बात बता दूं कि ये जो किताबें आप देख रहे हो ना, ये करीबन मेरे पास जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी है ना, उसका 50% भी नहीं है. लाइक इट्स नॉट इवन 30-40%. तो बहुत किताबें मैंने दे दी हैं आई थिंक फ्रेंड्स को, बहुत किताबें ऊपर भी रखी हुई हैं, एंड बहुत किताबों का तो पता आता नहीं कि वो है कहाँ. तो ये कुछ किताबें जो मैंने थोड़ा संभाल के रखी है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग बुक्स एंड मेकिंग ए कलेक्शन. आई फील लाइक पहले मुझे ये शौक नहीं था, मैं अभी भी कुछ खास शौक नहीं है, बट येस आई अब रख लेता हूँ बिकॉज अच्छा लगता है थोड़ा आपकी वीडियोज़ में आते हैं व्लॉग्स में तो अच्छा लगता है. सो फाइनली बुक शेल्फ में सफाई हो चुकी है. तो इस तरफ ना मैं इन्वेस्टमेंट की किताबें रखता हूँ. दैट आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड, आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एज वेल फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स. इट हैज बीन दैट आई एम कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग. And this is about few biographies, like we have Yuvraj Singh. तो रॉबिन शर्मा तो मैंने ऑथर के बारे में बताया था आपको. तो कुछ बिजनेस रिलेटेड रॉबिन शर्मा अगैन, शशि थरूर वन ऑफ माई फेवरेट्स, और फिर मतलब यही सब किताबें और कुछ खास नहीं. मेडिटेशन आई लव मार्कस ऑरेलियस, सच अ ग्रेट मैन ही वॉज. सो तो यही सब है. अभी मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ इट इज़ लाइक वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर. आई थिंक सब स्टूडेंट्स को, जो भी फील्ड से हो आप, हो स्टूडेंट हो टीचर हो, आपको एक बार इसको तो जरूर पढ़ना चाहिए यार. आपको स्लीप को लेकर जो भी भ्रांति है ना, सब आपकी दूर हो जाएगी. और अभी फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और क्वाइट मैंने इसके पहले पढ़ी है, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन द वर्ल्ड विच कांट स्टॉप टॉकिंग. अल्टीमेट दिस इज ये तो यार ये तो हमारे एग्जिस्टेंस का कारण ही है. तो इसके बारे में क्या बोलना, मतलब ये तो मैं मेरे दीदी के पास भी है, उन्होंने भी अभी खरीदा है. और मैंने शायद पहली बार भगवद्गीता को करीबन शायद 3 साल पहले पढ़ा था. मैंने पूरा पढ़ लिया था बट मैंने थरली नहीं पढ़ा था. लगता है मैंने 2-3 महीने के अंदर भगवद्गीता खत्म कर दी थी. सो आई फील लाइक तो ये हमेशा ऊपर रहता था यहाँ, तो इस पे धूल लग जाता था. तो मुझे कि इसको नहीं यार, इसको शेल्फ में रखना, इसको पढ़ना है, कोशिश करनी है कि जब भी मौका मिले सो गिव इट अ रीड. तो फाइनली इसको हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अपने पास ही रखें जब भी हमें मौका मिला. जैसे आप देख सकते हो 3 साल पहले जब मैं पढ़ रहा था ना, तो देखो आई हैव रिटन समथिंग, बिकॉज इसकी इंग्लिश काफ़ी उस समय मतलब एक्सट्रीम लेवल की होती थी. तो मुझे लगा था मुझे इंग्लिश समझ में आ जाएगा, बट वो भी समझ में आ रहा था, तो मैंने कुछ अंडरलाइन किया था. तो मैंने पढ़ा था, तो फिर हमें पढ़ना है. द मोमेंट वी से कि आई हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स कि जिंदगी में जब भी खोलो और जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो गीता खोलो एंड यू विल गेट द आंसर इन एनी पेज. एंड दैट्स ट्रू. आई थिंक आई हैव एन एक्सपीरियंसड इट येट, बट आई फील द पावर इट दिस बुक हैज, यू नो द फिलोसफी. अगर आप भगवद्गीता, मेरे दोस्त आर्यन ने मुझसे बात कही थी कि अगर भगवद्गीता ढंग से पढ़ लोगे ना, तो यार 10-15 किताब तो आप इस पर लिख दोगे, मतलब दैट्स द कैलिबर. सो आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ पोर्ट्रेट्स भगवान के, मैं हमेशा उनको करीब रखने की कोशिश करता हूँ. तो ये शिवजी हमारा आप जानते ही हो, और ये मैं इस्कॉन गया था वहाँ से मैं लाया, और ये 10 गुरु हैं सिख के. तो आई हैव वेरी लाइक आई हैव बीन वेरी क्लोज टू सिख रिलीजन, क्योंकि मैं जहाँ पैदा हुआ ना मेरे घर के बगल में गुरुद्वारा है, और मेरा पूरा बचपन उस गुरुद्वारा पठान टोली में बीता है. सो आई से यू नो आई एम अ हिंदू, एंड आई एम इनहेरेंटली अ हिंदू सनातनी, बट यू नो द आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय एवरी रिलीजन कल्चर. लाइक इट्स नॉट अबाउट सेक्युलरिज्म इन पर्टिकुलर, पर लाइक कि जितने भी अराउंड लाइक है ना, कि सबसे सीखने को मिला है, हमने सबके साथ रहा है. मतलब मेरे जिंदगी में जितने भी मतलब पहले स्टेजेस में जितने भी मैंने चीज़ें सीखी हैं, वो मैंने अमान भैया से सीखी हैं, तो मतलब उनका एक रोल है. तो उसके बाद फिर इसमें मतलब गुरुद्वारा का बहुत रोल है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, वहाँ जाके सेवा की है, वहाँ सेवा करना, हम्बल रहना सीखा है वहाँ से. तो उसके बाद मंदिर भी गया हूँ. तो आई थिंक आई एम इंस्पायर्ड बाय एवरी रिलीजन. लाइक मतलब यहाँ कोई सेक्युलरिज्म का नहीं है, और यहाँ मतलब रिलीजियस रेडिकलाइजेशन ना थोड़ा यहाँ दूर है जहाँ मैं रहता हूँ. सो फाइनली हमारा 2 घंटे की पढ़ाई खत्म हो चुकी है. सो टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस थे, तो मैं बनाता कैसे क्वेश्चन में थोड़ा बता देता हूँ, पूछ रहे थे लोग.
तो ऐसे में क्वेश्चन एक एक करके बनाता हूँ और हो सके सोल्यूशन देखता हूँ, और कुछ समझ में नहीं आया ना तो उसको लिख लेता हूँ मैं कि लुक सोल्यूशन एंड एनी अदर मेथड। मतलब लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग है तो अदर मेथड है तो सीनियर से पूछ लेता हूँ फिर सर से पूछ लेता हूँ, तो ऐसे मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन में बहुत वक्त लग जाता है कभी कभार, बट यही मेथड है। तो अभी तो हमारे पास कुछ खास वक्त बचा है नहीं, तो मैंने पहले ही कहा था ना कि एक दिन में दो दो क्लास बहुत ही हेक्टिक होता है, इसीलिए हेक्टिक होता है बिकॉज यू नो ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट लाइक अभी जाने में मुझे 13 किलोमीटर लगते हैं, तो 13-13 26 करीबन 26-30 किलोमीटर हो चुके हैं, और फिर अभी 26-30 किलोमीटर, मतलब एक दिन में करीबन 60 किलोमीटर का ट्रैवल ही 2-3 घंटे ट्रैवलिंग में ही निकल जाता है, तो आप पढ़ाई क्या करोगे। तो हाँ, तो ये है, बट बैकलॉग्स भी कंप्लीट करने हैं, तो इट इज समथिंग दैट कंपल्शन। सो अभी हम खाना खाएंगे और फिर हम निकलेंगे हम कोचिंग के लिए। तो गाइस ये हमारे विशाल का, और विशाल भाई ने आर्ट्स लिया है, तो मेरे पहला इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे वो क्या सोच के आर्ट्स लिए थे मैनेजमेंट कर रहे हैं नहीं बट ही इज अ वेरी ब्रिलियंट गाय, इज अ टॉपर। सो 5 बजे हमारे क्लासेस शुरू हो गए, तो क्लासेस करने का मुझे मन तो था नहीं, बट इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इसको कैसे भी कंप्लीट किया, और क्लासेस खत्म हुए विथ अ लॉट ऑफ लर्निंग्स। पढ़ाई को सिर्फ एग्जाम से जोड़ोगे ना तो सीख नहीं पाओगे, क्या वो हमारे दिमाग को खोलने में उसका कोई सब डिरेक्ट फायदा हर चीज का ढूंढोगे ना तो नहीं होता, इनडिरेक्टली आपको वो तैयार कर रहा है। यस सर, सोचने की शक्ति मिलती है वैसे सिचुएशन में, छोड़ आप मुझे कर सकते सो अभी मैं कोचिंग से आ गया हूँ, तो आई ट्रैवल ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर्स थ्रू द डे फॉर माई 2 classes। सो लाइक इफ यू आर लाइक इन अ डिलेमा दैट वेदर यू शुड टेक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इन व्हेनेवर यू गो, लाइक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू सजेस्ट यू वेयर टू गो, बट आई विल प्रेफर ना ऑनलाइन कोचिंग, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज कि मतलब देखो ऑफलाइन का अपना एक्सपीरियंस होता है, लाइक वो एक्सपीरियंस आप ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं ले सकते, लाइक आप फिजिकली जाते यू इंटरेक्ट विद पीपल, सो दैट हैज अ डिफरेंट लाइक यू हैव यू डेवलप अ डिफरेंट माइंड सेट दैट ऑनलाइन में नहीं हो पाएगी। यू इंटरेक्ट सो मेनी पीपल, यू मेक सो मेनी कनेक्शंस, यू मेक सो गुड रिलेशनशिप्स विद पीपल, सो दैट हैज लाइक उसका अपना अपना बेनिफिट है, उसका अपना रेपरकशन है। बट इफ आई टॉक अबाउट द रेपरकशन साइड, बहुत टाइम वेस्ट होता है यार कभी कभी लगता है ट्रैवलिंग में, नॉट नॉन अदर देन दैट, बट ट्रैवलिंग में बहुत वक्त लगता है, तो यू कैन मैनेज। जो अब लोग कोचिंग ज्वाइन करने वाले हो ना तो सोच लेना थोड़ा, अगर डिसिप्लिन बन जाता है घर पे और उतना नेटवर्किंग वोटर्किंग नहीं है, मतलब उतना मतलब नहीं करना कुछ, मुझे तो करना था बट आपको अगर नहीं करना तो प्लीज़ प्रेफर ऑनलाइन कोचिंग, बहुत टाइम बचेगा। तो अभी तो लाइक अभी मैं आ चुका हूँ तो मेरे पास अभी कोई खास ऑप्शन है नहीं, बट मेरा दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लाइक कोचिंग के बाद इतना हेक्टिक शेड्यूल के बाद अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, आज मॉक्स का आखिरी दिन है और देना पड़ेगा यार, मतलब ये मजबूरी हो जाती है, गलती ये बहुत रिग्रेट होता है कि पहले 4 दिन दिया नहीं, 5वां दिन रात को जब सोने का टाइम आता है तो आपको देना पड़ेगा, तो बट मिस नहीं कर सकते। अब करीबन इस साल बस 8-9 मॉक्स ही बचे हैं तो देना है, और अब मोटिवेशन मिल रहा है बिकॉज अब बहुत सारा सिलेबस खत्म हो गया, सो गिव मोर मॉक्स, कॉम्पिटिशन लेवल अब बहुत ही बढ़ गया है भाई, तो यू कैन इमेजिन। सो अभी मैं तो थोड़ा रेस्ट करूँगा एंड देन आई विल गिव माई मॉक्स। पता है अभी मैं मॉक देने बैठा था, मुझे इतनी नींद आ रही थी ना कि मैंने अपने मुंह पे पानी मार मार के 10-15 बार आया हूँ, तब अभी मैं मॉक्स दूंगा। तो देखो मैंने अभी तक 5 मॉक्स ही दिए हैं, सो माई लास्ट मॉक वाज लाइक मैंने 30 मार्क्स स्कोर किए थे, पेपर वॉज क्वाइट ईजी इसलिए 55 परसेंटाइल आया, पर परसेंटाइल से भी मतलब मुझे है नहीं, मुझे से मार्क्स से मतलब है, तो अभी 30 है, तो आज का गोल भी सिर्फ ये रखेंगे आज का कि 30 मार्क्स से ऊपर क्रॉस करना है, तो ये तो हो गया गोल, तो इसका तो चिंता नहीं करना। मुझे अभी 4 RC जितने भी 4 RCs है ना चारों को अटेम्प्ट करना है, कितने भी तेजी में करूँ अटेम्प्ट करना है मुझे, और करेक्शन का मुझे नहीं पता बट अटेम्प्ट करना है 40 मिनट के अंदर। मैथ का 7 क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं और रीजनिंग का 2 सेट बनानी है, रीजनिंग का आएगा तो फिर मेरा रीजनिंग तो पोर्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, बट एनीवे जितना भी हो उतना करेंगे, सो वी आर गोइंग फॉर मॉक्स, ऑल द बेस्ट टू मी। सो मेरा टेस्ट हो चुका है, तो देखिए मेरा स्कोर कितना है, 27 यार, मतलब कोशिश थी 30 से ऊपर जाना है बट 30 से ऊपर नहीं जा पाया। इस सेक्शन में मैंने रीजनिंग का 1 सेट मतलब ऑलमोस्ट क्रैक कर लिया था, 3 में 3 सही हुए, क्वांट इज ऑलवेज एज टेरेबल। वर्ड अवेलेबिलिटी में ये अच्छी हुई कि मैंने सोचे 4 RCs में अटेम्प्ट करूँगा, 4 RC अटेम्प्ट किए, 1 क्वेश्चन छूट गया, मतलब 16 मैंने कर लिया था। इसमें एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 50% के पास आई है यार, मतलब ऑलमोस्ट 50% थोड़ी ज़्यादा है 50% से, इसको और इम्प्रूव करना पड़ेगा, इट्स फाइन आई थिंक। अभी सफ़र बहुत दूर है, इनफैक्ट थोड़ी दूर नहीं बहुत दूर है, तो ये 27 से तो पता नहीं पेपर कितना हार्ड है, बट अभी ये
50-60 के आसपास ही परसेंटाइल आई, विच इज़ नॉट दैट. आई एम रियली टायर्ड आई फील, बिकॉज मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ और थोड़े मार्क्स आएंगे, बट इट्स फाइन. आई थिंक अभी तो मॉक्स देना शुरू ही किया, 5-6 मॉक्स दिए और इनफैक्ट बीच में बहुत गैप आ गया, तो दूसरा मॉक ही एक तरह से कह सकते हो. सो वन में 30, दूसरे में 27. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ एवरेज. अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार, कुछ मेहनत नहीं है ये, 27 नंबर से कुछ नहीं होगा, इट्स लाइक बहुत कम है. एनी वे, सो ऑन दिस आई रेस्टिंग बिकॉज 1 बज चुके हैं, 7 बजे उठा था कई बार, 18 घंटे से जगा हुआ हूँ, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया आज. बट आई होप यू ऑल आर वेल एंड कीप वर्किंग हार्ड, यू नो, लाइक अपने आप से कंपेयर करो यार, मतलब दूसरों से कंपेयर करके क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ, पहले मैं 30 किया, फिर अब 30 के आसपास ही है, सो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे इसको और इम्प्रूव करने के लिए. तो लड़ाई खुद से है, बिकॉज दूसरों से लड़ाई करेंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, और मेरे क्लास में जो सीनियर्स हैं ना करीबन, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब किसी किसी के 70 आ रहे हैं, किसी किसी के 80 आ रहे हैं, कुछ लड़कियाँ हैं जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है, बट जब मैं उनसे कंपेयर करूँगा तो मैं हार जाऊँगा, मैं अपनी रेस में हूँ. आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, मेहनत करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे. ओके, सो अगला मॉक शायद हफ्ते भर के बाद होगा, सिविल गेट. ऑन दिस आई रेस्ट, आई होप यू ऑल आर वेल, रब मेहर करें आप सब पे, लोग जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत ही जल्दी. तो ख्याल रखो तब तक अपना, बाय बाय, गुड नाइट.